नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ आलोक। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी सियासी दलों के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया, लेकिन इस चुनाव में सियासी दलों का मुख्य हथियार ध्रुवीकरण ही दिख रहा है। हालांकि बसपा, सपा और रालोद गठबंधन ने पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण ना हो इसलिए चुनावी रैलियां देर से शुरू की। रविवार को सहारनपुर के देवबंद में महागठबंधन की पहली रैली हुई तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करने से परहेज किया। रालोद मुखिया अजीत सिंह भी बोले तो, लेकिन बहुत संभल कर, या यूं कहें कि बहुत बैलेंस्ड। उधर सहारनपुर में मुस्लिम वोटों के संभावित बंटवारे से बेचैन मायावती मुसलमानों का बसपा के पक्ष में ध्रुवीकरण कराने की कोशिश का लोभ नहीं छोड़ पा रही हैं। संयम में रहकर पढ़कर भाषण देने वाली मायावती ने मुस्लिम वोटों के बंटवारे की आशंका के मद्देनजर बहुत सोच समझकर बीजेपी के खिलाफ और गठबंधन के पक्ष में मुस्लिमों में खुली अपील की। जाहिर है यूपी में 13 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, मतलब इन 13 सीटों पर मुस्लिम और जगह से कई ज्यादा तादाद में हैं। तो पश्चिम के ऋण में क्या कुछ खास है जहां पर 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे पहले चरण के लिए, जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ डिटेल्स दिखाते हैं। तो सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, अमरोहा, नगीना, मेरठ और इसी के साथ साथ अगर बात करें इन जिलों में चुनाव, तो सहारनपुर में कांग्रेस गठबंधन दोनों के प्रत्याशी मुस्लिम है, यहां पर भी एक फैक्टर काम कर रहा है। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राघव लखनपाल को जीत दर्ज हुई थी तो कांग्रेस के इमरान मसूद बीते चुनाव में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार जो जातीय समीकरण है, इस बार इमरान मसूद का टिकट पहले से ही पक्का था। तो पश्चिम में कौन मारेगा बाजी, बड़ा सवाल। बीएसपी ने फजलुर रहमान को उतारकर मुस्लिमों को दूसरा विकल्प दिया है और इसी के साथ साथ सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, नगीना, मेरठ, कैराना, मुरादाबाद, संभल, बरेली, रामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में चुनाव है तो सहारनपुर में कांग्रेस गठबंधन दोनों के प्रत्याशी मुस्लिम हैं। तो कुल मिलाकर के पश्चिमी यूपी की एक दिलचस्प राजनीति है और वो कोई आज से नहीं है, वो शुरुआत से ही रही पश्चिमी, क्योंकि जाटलैंड का जो वहाँ पर अलग अपना वोट बैंक रहता है और एक दिलचस्प राजनीति शायद इसीलिए कहते हैं। तमाम सारे सवाल हैं और ध्रुवीकरण ही क्या नेताओं का हथियार है फिलहाल, किस तरीके से अब 2019 के परिपेक्ष में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, क्या कुछ खास फैक्टर रहेंगे, कौन कौन से मुद्दे इस बार गरमाए हैं खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तमाम सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। फिलहाल हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता अभिजीत श्रीवास्तव जी हैं। अभिजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक राज जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लाइव टुडे के न्यूज रूम से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा जी हैं। नवल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत सारी चीजों को समझेंगे क्योंकि बात देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व की है। नवल जी, पहला सवाल कि चुनाव प्रचार थम चुका है पहले चरण के लिए, 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, तमाम जनसभाएं हुई, चुनावियां रैली हुई और रैलियों में बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े दावे किए गए, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कि किस मुद्दे पर वोट मांगे जा रहे हैं? बड़े बड़े भाषण हुए, बड़ी बड़ी नैतिकता की बात हुई, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव वहीं घूम के जाति समीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से मायावती ने जो भाषण दिया था और मुस्लिमों से गठबंधन को वोट करने की अपील की गई, उसके बाद उनके खिलाफ चुनाव आयोग की नोटिस भी हुई, और जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, और निश्चित रूप से ये पूरी जो राजनीति है ये दिखा रही है कि ये पहला फेस ही जो है निर्धारक हो जाएगा कि आने वाले फेस में
धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये राजनीति जहां विपक्ष को सूट करती है उसी तरह बीजेपी को सूट करती है, और विपक्ष में भी दो हिस्से हैं, यानी कि एक महागठबंधन है, कांग्रेस है, तो जो मुस्लिम हैं वो किस किस हिस्से में जाते हैं इसकी होड़ लगी हुई है। दूसरी तरफ आप गौर किए होंगे कि लगातार बीजेपी के नेता और सोशल मीडिया पे अपने भाषणों में ये मुद्दा उठाते रहे कि जो महागठबंधन के पोस्टर उसमें लोहिया नज़र आ रहे हैं, अम्बेडकर नज़र आ रहे हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह नहीं है, यानी जो जाट वोटर हैं उनको भी इस ओर लाने की कोशिश हो रही है कि RLD के अलावा बीजेपी भी उनका ऑप्शन हो सकता है। तो पूरा मुझको लग रहा साफ साफ नजर आ रहा है कि अब धीमे धीमे जो चुनाव जहां पे जिस बुरी स्थिति में पहुंचता है वो इस बार फिर पहुंच चुका है, और धार्मिक ध्रुवीकरण और जाति ध्रुवीकरण का चुनाव जाएगा। जी अभिजीत जी, जिस जाटलैंड की बात कर रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो अगर बड़ी चुनौती है वो आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए अस्तित्व का संकट है, इसीलिए मैंने अस्तित्व शब्द का इस्तेमाल किया। अभिजीत जी देखिए आलोक जी, अभी कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी का एक बयान आया था, उसे काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी कहा गया था, लेकिन दरअसल वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं था। जब उनसे ये कहा गया कि क्या आप केवल जाट के ही दम पे इस चुनाव में जा रहे हैं, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि केवल जाट ही नहीं, कोई हमारा पेटेंट नहीं है जाट के ऊपर, लेकिन हम किसान हैं और किसान में सभी जाति और सभी वर्ग के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, किसान की कोई जाति और धर्म नहीं होती। तो हमारा जो बेसिक फंडा है, बेसिक जो हमारा हमारा हमारी विचारधारा है वो ये है कि हमारे देश का किसान कितना खुशहाल हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, हमारा केवल ये कह देना कि हम जाट पे ही बेस्ड हैं ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि उनकी आस्था हमारे पार्टी के प्रति रही है, ये आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के ही समय से रही है, तो अगर हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जो आज आपने ये विषय रखा है ध्रुवीकरण का, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं जी जी, कि ध्रुवीकरण आज जो विपक्ष में पार्टियां हैं उनका मुद्दा भी ध्रुवीकरण नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा इसके लिए जानी जाती रही है कि वो किस तरीके से, आप अभी देखें उनका मैनिफेस्टो आया है, उस मैनिफेस्टो में आपने देखा कि फिर से उन्होंने 370 आर्टिकल 370 को उन्होंहोंने इसमें शामिल किया, फिर आर्टिकल 35 को इन्होंने शामिल किया। नहीं, अब अभिजीत जी, जिस मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं उसमें तो किसानों के हितों के लिए आप भी बात करते हैं, लेकिन किस तरीके से किसान सम्मान योजना की बात की है, किसानों के हित की बात की है, और आप तो किसानों के लेकर के जानी जाती पार्टी, तो उसके बाद भी कभी आप लोगों को कोई विजन नजर नहीं आया, कभी चुनावी रैली में कहा किसानों के लिए? आलोक जी, आप ये चीज जानिए कि पिछले कुछ समय से हमारी पार्टी का कोई भी मेंबर ना तो पार्लियामेंट में है ना तो किसी भी विधानसभा में। सर मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्थानीय स्तर पे जब भी चाहे आलू के मुद्दे को लेकर के आंदोलन की बात रही हो हमारे नेताओं ने उसको किया, चाहे गन्ना भुगतान को लेकर के हुआ हमारे नेताओं ने उसको किया। बराबर अभी देखिए, जब किसान आंदोलित होकर के जब रामलीला मैदान पे आया था तो उसका नेतृत्व भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी ने किया था। ऐसा नहीं कि हम उनके मुद्दे पे कभी आए नहीं है जी, लेकिन उसको देखा नहीं गया। बीजेपी के एक बहुत बड़े आडंबर में ये बीजेपी का आडंबर हो सकता है कांग्रेस के पास। अरे अभिषेक जी, चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी सियासी दलों के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया, लेकिन इस चुनाव में सियासी दलों का मुख्य हथियार ध्रुवीकरण ही दिख रहा, और इसमें आप लोग भी पीछे नहीं है। ये कहना गलत है, कांग्रेस पार्टी इस तरीके की राजनीति नहीं करती, और कांग्रेस पार्टी ने देखिए मुख्य मुद्दों पे चुनाव लड़ने की बातें करी थी। पिछले भी 3 विधानसभा के चुनाव हुए, हमने मुद्दों पे लड़ा, जो जनता के मुद्दे थे उन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा, हमको विजय प्राप्त हुई। सर आप लोग तो जनता के बीच ज्यादा गए नहीं, कितना ये कहना गलत होगा। 8 लोकसभा कितनी रैलियां करी, 8 लोकसभा पे चुनाव हो रहे हैं, प्रियंका जी वहां गई हैं और तमाम नेता जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जो मुख्य मुद्दे हैं, जो फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहा है पहले चरण में वहां की लोकसभाओं पे, देखिए वहां आलू का मुद्दा है, गन्ना किसान के भुगतान का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिस वजह से वहां पे जो लेबर लोग हैं
जो वहाँ पे काम करने वाले खेत में लोग हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, अफसर वहाँ पैदा नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि किसानों की भी जो फसल है वो बर्बाद चली जाती है हर बार। उसके अलावा वहाँ मुद्दा जो है मॉब लिंचिंग का एक बहुत बड़ा है, जो एक तरीके का एटमॉस्फेयर बना रखा है पिछले 5 वर्ष से उस रीजन में उत्तर प्रदेश के, तो ये सबसे बड़ा एक दूसरा मुद्दा है। इसके अलावा मुद्दा जो है जो फर्जी गौरक्षक आ गए हैं जिनको सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा वहाँ पर एक मुद्दा जो और आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो मुद्दा है रोज़गार का। वहाँ पे रोज़गार नहीं है, जो फैक्ट्रीज थी या इंडस्ट्रीज थी बंद हो गई नोटबंदी की चोट के बाद, जो एमएसएमई सेक्टर था वो एक तरीके से पूरी तरीके से धाराशाही हो गया। और उसके अलावा जो महिलाओं की सेफ्टी का मुद्दा है, आपने देखा होगा किस तरीके से पिछले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश में, ये जो आप सारे मुद्दे बता रहे हैं डिबेट में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे पूछते हुए और आपको बताते हुए, ये जब आप लोग जब रैली करते हैं वहाँ पर ये मुद्दे तो नहीं, क्योंकि रैलियों में ज्यादातर देखा गया राफेल चौकीदार चौकीदार यही मुद्दे, क्योंकि विकास के मुद्दों की बात तो वहाँ हमारा हमारा मैनिफेस्टो उठा के अगर आप देखेंगे, नहीं मैनिफेस्टो पे हम डिबेट भी कर चुके हैं, मैनिफेस्टो हमारा आप उठा के देखिए, और उसके अलावा हमारे जो नेता हैं वो इस तरीके की नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं, चाहे वो राहुल जी हो प्रियंका जी हो। आज भी प्रियंका जी रोड शो करने गई थी, भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवी तत्वों ने वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की, मैनिफेस्टो देखा भी और उस पे आफ्सपा हटाने की भी बात की और सेना को किस तरीके से उससे कमजोर किया, उसमें भी आप बात कर रहे हैं। आसपा की बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में 3 चौकियां हैं जिन एरिया में आसपा लगा था भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही हटा दिया है। किस हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बात का विरोध करते हैं, देखिए इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। आसपा जो है उस पर जहां तक बात करी जाए तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है किसी भी जगह का, तो कांग्रेस पार्टी को गलत बात नहीं कर रही, क्या कहीं पे नॉर्मलसी लाना क्या संविधान के विरुद्ध, क्या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, अगर कहीं नॉर्मल स्टेट हो जाए तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं है ना जी, तो कैसी बात है जी। चलिए आपने अपनी बात रखी, अब मैं जरा एक बार फिर से नवलकांत सिन्हा जी के पास आ रहा हूं। सर बसपा सपा और रालोद गठबंधन के पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण ना हो इसीलिए चुनावी रैलियां देर से शुरू की, कहीं ना कहीं नहीं लगता सर? जी हाँ निश्चित रूप से, और जिस तरह से चुनाव चढ़ता जा रहा है और जिस तरह की बातें सब तरफ से हो रही हैं, मतलब महागठबंधन विपक्ष कांग्रेस सबकी तरफ से हो रही है, वो साफ एहसास करा रही है कि इस चुनाव को भी जो है वो कोई विकास या तमाम मुद्दे हैं इसमें ना महागठबंधन लड़ना चाहता है, ना कांग्रेस लड़ना चाहती है और ना ही बीजेपी लड़ना चाहती है। सबको लगता है कि वोट तो जाति के नाम पे मिलते हैं, वोट तो धर्म के नाम पे मिलते हैं, लेकिन ये बेल्ट ऐसी है जहाँ पे किसान एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे, और ये बताना बहुत आसान नहीं है कि किसान किसकी तरफ जाएंगे, वो बीजेपी के 6,000 में खुश हैं कि 72,000 उनको चाहिए, ये एक सवाल होगा। लेकिन निश्चित रूप से इस देश की राजनीति का दुर्भाग्य कही है कि धर्म और जाति की राजनीति नेताओं को भी सूट करती है, और जो जनता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई सामने कोई साफ साफ ऑप्शन नहीं होता है, तो वो इस ध्रुवीकरण का शिकार होती है। तो जाहिर सी बात है ये पहला फेस बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, और उत्तर प्रदेश ही तय करेगा कि किसकी केंद्र में सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार तभी बन पाए तय करेगा। और बड़ा दिलचस्प है, हमारे साथ अमित तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अमित जी नमस्कार, स्वागत है। अमित जी फर्स्ट फेज का आज देखिए प्रचार बंद हो गया, शाम 5 बजे अब डोर टू डोर होगा। अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर अब मतदान होना है, और ये खास कर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती इसलिए क्योंकि जो जीत की लय है उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखने के लिए बड़ी चुनौती आपके सामने। हमारी 8 सीटें रही हैं पिछले चुनाव में, और मैं आपको ये बताऊं कि फिर हम जीत रहे हैं 8 सीट। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि बसपा सुप्रीमो बहन जी ने किसी एक वर्ग विशेष के लिए कहा कि आप भटकना नहीं, आप जाना नहीं, और जिस तरीके से इन लोगों में बौखलाहट है, आप ये देखिएगा कि कल 11 तारीख को प्रथम चरण है, 5 साल में जो हमने किसानों के लिए किया है, जो सबके लिए किया, महिलाओं के लिए किया है, व्यापारियों के लिए किया, उसके बल पे हम पुनः 2014 को के 8 सीट जो हमने जीती थी 2014 में उसको फिर पुनः हम पाएंगे। लेकिन गठबंधन भी बड़ी चुनौती है। देखिए ऐसा है, ऐसा आलोक जी, जनता समझ चुकी है कि इन्हें वोट दे के गठबंधन क्या है। गठबंधन इन लोगों ने किया, एक संयुक्त घोषणा पत्र तक ये लोग जारी नहीं कर पाए, ये कब टूट जाए ये जनता भी जान रही है। जब तक झुके हुए हैं लोग, चाहे
रालोद चौधरी अजीत सिंह झुके हुए हैं चाहे अखिलेश जी झुके हुए हैं, ये टूटना ही टूटना, मैं बोल लूँ फिर आप बोले, ये लोग झुके हुए हैं। बाकी अगर ये स्थिति ना होती, अगर इन लोगों ने काम किया है, रालोद अजीत सिंह जी कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं, तो आज उन्हें ये स्थिति ना होती कि वो मायावती और अखिलेश के चरणों में गिरते। ये किसी ने काम नहीं किया है, एसी में बैठ के राजनीति करना, इनका एक लक्ष्य है लोकसभा में पहुंचना। तो ऐसी स्थिति में जनता जान रही है कि हमारा विकास कौन करेगा, मजबूत सरकार कौन देगा, राष्ट्र को आगे कौन ले जाएगा। तो एक ही नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, विकास के नाम पर क्या वाकई में वोट मांगे जा रहे हैं अभिजीत जी? आलोक जी, थोड़ा सा मौका मुझे जरूर दीजिएगा। चलिए, मैं पूरा मौका आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ जी। आपने सीधा सीधा हमला माननीय अजीत सिंह जी पे बोल दिया और आपने कह दिया चरणों में गिरे हुए हैं। आप जरा अपना भी इतिहास उठा के देखिए कि किसके किसके चरणों से होकर के आप आज यहाँ तक पहुँचे। 3 साल जिस पीडीपी के साथ हनीमून मनाते रहे और 370 आपने नहीं हटाया, 35 से आज फिर उसको आप अपने मैनिफेस्टो में लेके आए। आप बताइए ना, आप किसको धोखा दे रहे हैं, आप इस चीज़ को बताइए। आप अभी आपने कहा कि मैनिफेस्टो पे हमने डिबेट कर लिया, लेकिन अगर आज पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो मैनिफेस्टो की बात जरूर करेंगे, क्योंकि आप बीजेपी को देखिए कि अपने मैनिफेस्टो से कैसे पोलराइजेशन को वो साबित करती है। सबरीमाला आप लेके आ गए, आपके स्टेट प्रेसिडेंट केरला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर केरला में ग्रो करना है तो सबरीमाला को देखना होगा। आप राम मंदिर बनाने के लिए संवैधानिक दायरे के अंदर आप बात उसकी करते हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आप सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट सबरीमाला पे दिया तो आप उसके अगेंस्ट हैं। आप जरा अपने नैतिक चरित्र को देखिए ना कि कितना विरोधाभास है। अच्छा अभिजीत, ये बताइए कि मतलब आप लोगों के लिए, लेकिन अगर बात करें तो बहुत ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है बहुत ज्यादा? आलोक जी, भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसी बहुत ज्यादा ऐसे समय आए हैं जब तमाम पार्टियों के पास बहुत कुछ न खोने को रहा है न पाने को रहा है, लेकिन खोने और पाने की इस मनोदशा में जब वो जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें प्राप्त भी होता है और वो खोते भी हैं। और यह ऐसा समय है कि हम पाने की स्थिति में हैं और भारतीय जनता पार्टी खोने की स्थिति। यही स्थिति आप लोगों के लिए भी है, कहीं ना कहीं पाने के लिए ही है, कुछ खोने के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, पाने और खोने की लड़ाई नहीं है, ये देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस तरीके का आज माहौल पैदा हो चुका है देश में, जिस तरीके से वादा खिलाफी करी गई है, लोग यहाँ अभी किसानों की बात कर रहे हैं, MSP में धोखा दिया किसानों को, दुगनी आय हो जाएगी, कहाँ दुगनी आय हो गई। युवाओं के रोजगार की भाई साहब बात कर रहे थे, युवाओं को कौन से रोजगार मिल गए हैं हमको भी वो आंकड़े ला के दिखा दें। और महिलाओं की बात कर रहे थे, महिलाओं को कहाँ पे सुरक्षा मिल रही है, उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मी जो महिलाएं हैं उन्हीं के ऊपर एसिड फेंक दिया जा रहा है। तो इस तरीके का जो राज्य में आतंक का एक माहौल पनप रहा है, उससे निजात दिलाने के लिए और देश की जनता को प्रगति और विकास के मार्ग को ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी आएगी, से केंद्र में सरकार बना रही है 2019 में। देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है और आप देख रहे होंगे तमाम कार्यक्रम वगैरह, उसमें जनता का मूड नजर आ भी रहा है। और अभी ज्यादा दिन पुरानी बातें नहीं है, यही हम बैठ के चर्चा कर रहे थे 4 महीने पहले। हाँ। तो एक परिणाम आया था और एक परिणाम फिर 23 मई को आएगा, वो सब कुछ साबित कर देगा किसने काम किया किसने नहीं किया है। और देखिए, जहां तक ये लोग बार बार बात करते हैं ध्रुवीकरण, भारतीय जनता पार्टी देखिए किस तरीके से, कितनी चलाकी से राष्ट्रवाद पे इस चुनाव को लेकर चली आई है, किस तरीके से इनके तमाम बड़े नेता जो है राष्ट्रवाद की अब बातें करने लगे। अगर आपने इतना ही विकास किया था, इतना ही कार्य किया था, अपने काम पे बात करते। 2014 में मैनिफेस्टो जो जारी किया था उसमें इतने पॉइंट्स थे, एक भी पॉइंट पे आप काम नहीं कर पाए, वादा आपने कोई भी पूरा नहीं। धोखेबाजी करी देश की जनता के साथ, युवाओं को ठगने का काम किया, झूठी के मैनिफेस्टो लाने से और जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। आपका समय पूरा हो चुका है, अब आप गुड बाय बोलने वाले, देश की जनता आपको गुड बाय कहने वाली है। आपने देश को किस तरीके से गवर्न किया है पिछले 5 वर्ष में, चलिए अब जनता के हाथ में फैसला है। हमारे साथ जगदेव सिंह जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। जगदेव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हम आज डिबेट कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण की, जिस तरीके से जातीय समीकरण जो वहां पर फिट बैठते हैं, और आप लोग भी पूरी तरीके से जो प्रत्याशी खड़ा है करा है वो बड़ा सोच समझ के खड़ा करें वहां पर पश्चिमी उत्तर बेल्ट में। देखिए, जहां तक वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, कहते लोग बहुत हैं कि हम जातिवाद की धर्मवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन असलियत कुछ इतर है।
एक जाति की सच्चाई है, किसकी ओर इशारा है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं की बात कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं जो है, मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता, मैं संप्रदायवाद की राजनीति करता हूँ, ये घोर जातिवादी है। और हम तो एक वर्ग की बात करते हैं, जात की नहीं बातें, हम तो दलित की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, मनहरी की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर जात की नहीं बात करते हैं। ये तो राजभर इनके यहाँ राजभर बिरादरी के थे, ओम प्रकाश कितनी गालियां दी इनकी, कोई आज तक हिम्मत नहीं पड़ी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर जाए। लेकिन इस्तीफा भी उन्होंने नहीं दिया, छोड़ा भी नहीं पद उन्होंने, ये भी बात है, निकाल बाहर करना चाहिए जरा भी, अगर जात का मोड़ ना होता अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों को, और फिर दोबारा मना मना करके ये सारे लोग जो इनके विरोध में चले गए थे, ये जाति आधार पर हमारा गठबंधन 93 में जूता कांड वाले, जूता कांड वाले सांसद और विधायक को निकाला पार्टी से आपने, वहाँ आप नहीं देख रहे जातिवाद, वहाँ जातिवाद नहीं देख रहे हैं, निकाला आपने, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की आपने? सीओ मारा जा रहा है, डीएम मारा जा रहा है, आपके नेता जूते चला रहे हैं, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं? चलिए सब कुछ करते हैं जगदेव जी, लेकिन एक रेपिस्ट मंत्री को पनाह नहीं देती है। चलिए ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ जी, चलिए हाँ आप अपनी बात रखिए, चलिए जगदेव जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, चलिए चलिए यहाँ पर सबको अपनी बात रखें, ठीक है चलिए जगदेव जी आप अपने, जगदेव जी चलिए जगदेव जी, मैं डिबेट को कंडक्ट करा रहा हूँ, मैं होस्ट हूँ, ठीक है, एक एक करके सब, जनता ने इनको करारा जवाब दे दिया है, ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं, झूठे वादे करने वाले लोग हैं, और ये धर्म जात की बात करते हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री जब गरीब बताएगा सर, अमित जी लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है ना, लेकिन बारी बारी से रखिए, चलिए जगदेव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, ठीक है जगदेव जी आप अपनी बात, ठीक है, हनुमान जी की जात बताने वाले लोग जात की बात करते हैं, हनुमान जी को दलित कह दिया, और क्या है मुख्यमंत्री जी इनकी भाषा शैली, लेकिन जिस पश्चिमी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ जगदेव जी, वहां पर आप लोग किस तरीके से समीकरण फिट कर रहे हैं जात के, मेरा सवाल ये था। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, जी बोलने बोलने कहा दिया है, अरे नहीं सर आप बोलिए, मैं मौका दे रहा हूँ। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक किसानों का बहुत बड़ा गढ़ रहा है, और बड़ा वहाँ मुद्दा गन्ना किसान रहता है, गन्ना किसान की आज ये स्थिति है कि 10 करोड़ आज भी बकाया है, पैसा नहीं मिल रहा है, गन्ना सबसे ज्यादा अगर किसानों ने आत्महत्या की है तो बीजेपी सरकार में की, आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कहता जी। यूरिया खाद महंगी हो गई, आप उसका दाम बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का वो कंटिन्यू हुआ, मैं तो किसान की हालत बदहाल हुई है, इन्होंने कहा था दो गुना मूल देंगे, ये लागत मूल नहीं मिल रही है, लोग कर्जा नहीं देकर लेकिन बड़ी विडंबना सी लगती है। मैं अब नवल जी के पास आ रहा हूँ, ठीक है आपने अपनी बात रख ली, मैं किसानों मसीहा रहे हैं, किसान बात कर रहे हैं, वहाँ ज्यादातर माइनॉरिटी जाट बिरादरी लोग हैं, वो सब किसान हैं, सर बिरादरी किसान है, वहाँ किसान के मुद्दा है, की बात कर रहे हैं, और हर पार्टी किसानों को लेकर के मुद्दा भी बना रही। नवल कांत जी, ये जैसे कि आपने जगदेव जी का बयान सुना, बड़ी इसे विडंबना ही कहेंगे कि जो किसानों को लेकर के आंकड़ों को लेकर के बात की, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आपको भी याद होगा किस तरीके से बुंदेलखंड में किसानों ने घास की रोटी खाई थी, उस मुद्दे की गूंज सदन में भी सुनाई दी थी, और आज जगदेव जी आंकड़े लेकर के आए जी, ये सब हाँ बहुत किया, सबसे ज्यादा मामले आपकी सरकार में सामने आए थे। चलिए मैं नवल जी से पूछूंगा इस सवाल के जवाब में नवल का, क्योंकि बात किसानों की है, बात देश के अन्नदाता की है। सर नवल जी हाँ नवल जी, मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा, चलिए होगा सर नवल जी, ओवर टू नवल जी। देखिए बात किसानों की हो रही है, लेकिन किसान क्या आपको दिख रहे हैं इस चुनाव में, कितने नेता हैं चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, क्या वो किसानों की बात के लिए खड़े हो रहे हैं? क्या ये जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये क्या किसानों की राजनीति के लिए हुआ है, या कांग्रेस को अलग रखा गया है तो क्या एक विचारधारा के साथ केवल वोटों का गुणा गणित है? और ये दोनों तरफ से है, ये महागठबंधन की तरफ से भी है और ये बीजेपी की तरफ से भी है, सब तरफ यही गणित हो रही है कि किस तरह से जनता है उसका वोट हासिल किया जाए। और ये देखिए जो 8 सीटों का चुनाव उत्तर प्रदेश की जो होने जा रहा है उसमें मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 3 सीटों को मान लें
कि थोड़ा इजी है बीजेपी के लिए, लेकिन बाकी जो सीटें हैं वो जबरदस्त वहां पे जो है चुनौती मिलेगी गठबंधन से, और वो गठबंधन की जो जातिगत गणित है और धार्मिक गणित है उसकी वजह से मिलेंगी, इसलिए नहीं कि मतलब कोई बहुत अच्छी योजना या बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया है लोगों ने जनता को। और ये जो देखिए चुनाव हो रहा है ना, ये चुनाव इस पूरे देश में बल्कि मैं कहूंगा कि इस लिहाज से हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने विश्वास खोया है या नहीं है, और ये चुनाव परिणाम बताएंगे कि ये जो विश्वास था नरेंद्र मोदी के प्रति, क्योंकि जो जितनी उम्मीदें थी जनता को उतनी उम्मीदें पूरी नहीं हुई है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का विश्वास लोगों के अंदर है या जिस तरह की राजनीति अब तक देश में होती आई है वही चलती रहेगी ये चुनाव इसको लेकर के। जी, जिस तरीके से जातीय समीकरण की बात करी अमित जी, आप लोगों ने भी जातीय समीकरण साधने में कोई कम कोशिश नहीं करी है। मुजफ्फरनगर का उदाहरण ले लीजिए, किस तरीके से एक जाट वहां पर खड़ा कर दिया संजीव बालियान को ला करके। देखिए आलोक जी, ऐसा है ना, राजनीति में समीकरण तो देखे जाते हैं जब नहीं, तो ये नहीं, खुद स्वीकार भी करिए ना अमित जी, जाति समीकरण देख रहे हम विकास की बात नहीं कर रहे, फिर ये भी बात, फिर विकास की बात क्यों हो रही है। हाँ, विकास, विकास, विकास। अभी हमारे सपा के मित्र कह रहे थे कि गन्ना किसान है, हम तो कहते हैं गन्ना किसान मुख्य मुद्दा है और उसी के नाम पे हमें वोट मिल रहा है। आप कहते हैं कि 10,000 करोड़, अरे आप लोगों की पिछली सरकारों का 10,000 करोड़ रुपए भी देने का काम हमने किया, 50,358 करोड़ का भुगतान हमने किया। अभी चैनल दिखा रहा था कि मैं आज सुबह देख रहा था किसी चैनल पे, तो हम किसान कह रहे थे कि किसानों का गन्ना का भुगतान इस तरीके से इससे पहले कभी नहीं हुआ और हम विश्वास करते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। ये बात तो फिर अभिजीत जी के लिए सवाल खड़े कर रही है। ठीक है अमित जी, जल्दी से मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन अभिजीत जी से पहले मैं एक चीज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी दावे करती है वो केवल झूठ का आडंबर है। आप जैसे लोग जब डिबेट में जाते हैं तो टीम लेके जा रहे हैं आज, और चैनल की बात करते हैं ना, चैनल क्या दिखा रहा है, पूरे देश का चैनल आपके पक्ष में क्या दिखा रहा है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्यों दिखा रहा है, यह तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। हम तो आलोक जी ये कह रहे हैं कि 2014 में जब इलेक्शन हम लोग सभा में जा रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि भारत सबसे युवा देश है, भारत एक मिनट सुन लीजिए, गन्ना किया गया है, गन्ना की जो कि ऐतिहासिक है जिसमें पिछली सरकारों का भी भुगतान है जी। मैं आंकड़े दे रहा हूँ, दीजिए ना, चेक करिए। आपके आंकड़े राफेल से लेके यहाँ तक सब ऐसे ही तो हैं जी। चलिए कुल मिलाकर के पश्चिमी यूपी की राजनीति बड़ी दिलचस्प है, और 11 अप्रैल को जो वोट पड़ना है वहां पर, अब उसमें जातीय समीकरण कहीं ना कहीं आगे बैठते जा रहे हैं। तो ध्रुवीकरण ही नेताओं का क्या हथियार है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हम बड़े पैनल से जानेंगे और समझेंगे। मैं नवल कांत जी के पास आ रहा हूं। नवल जी, रविवार को सहारनपुर के देवबंद में महागठबंधन की जब पहली रैली हुई तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करने से भी परहेज किया, और रालोद मुखिया अजीत सिंह भी बोले तो बहुत संभल कर, क्योंकि सब जान रहे हैं कि सबकी अपनी मजबूरी है, सबका अपना अपना वोट बैंक है, सबके अलग अलग अपने अपने मुद्दे हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से एक रणनीति होती है राजनीति में, और राजनीति में क्या जो संवैधानिक मजबूरी ये है कि विजेता वही होता है जिसके संसद में लोकसभा में सीटें ज़्यादा होती हैं, जो ज़्यादा सीटें जीत के आता है। उसमें ये नहीं लिखा होता है कि किस तरह से जीतेगा या क्या नैतिकता रहेगी। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिशियन हैं, बड़े मजे हुए होते हैं, जीवन गुजार दिया उन्होंने कि जनता से कैसे वोट हासिल किया जाए, और उसी रणनीति पर सब काम कर रहे हैं। आपने जिस सवाल को उठाया है, जाहिर सी बात है कि अगर वो मुद्दा उठता तो जो वोट बैंक है, जो वहाँ का बड़ा वोट बैंक है, जाट और मुस्लिम वोट बैंक, अगर वो अलग अलग होता है तो महागठबंधन को नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे को उठाने से परहेज किया गया, लेकिन जिस तरह से मायावती ने उस मुद्दे को उठाया है तो जाहिर सी बात है वो उस वोट को भी कैश कराना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति ये है कि जो मायावती ने मुद्दा उठाया है उसको बार बार हिट किया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है कि वो हिंदुत्व की तरफ बीजेपी इस चुनाव को मोल्ड करना चाह रही है कि जो वो वोटर है वो उधर है। खासतौर से जाट वोटों की पूरी रणनीति इस फेस में हो रही है, जिस तरह से बार बार इसको दिखाने की कोशिश की गई कि जो मायावती अखिलेश की सभा हुई थी उसमें चौधरी चरण सिंह की तस्वीर नहीं थी, और साथ ही नरेंद्र मोदी बार बार चौधरी चरण सिंह
उनके सम्मान में कुछ ना कुछ लगातार बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो वोट बैंक और एक जो इमोशनल अटैचमेंट है चौधरी चरण सिंह का उस बेल्ट में लोगों का, उसको दोनों पक्ष अपने ओर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस इमोशनल फैक्टर को भी कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा फायदा आरएलडी को भी मिल सकता है और ये आप लोग कैश कराने में अभिजीत जी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं जैसा कि नवल जी ने भी कहा। देखिए पश्चिम बेल्ट हमारा पारंपरिक क्षेत्र है और यह आज से नहीं है, यह आदरणीय चौधरी सिंह चरण सिंह जी के ज़माने से है और हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पश्चिम बेल्ट अभी कुछ सालों में बहुत ही राजनीतिक तरीके से उपेक्षित रहा और हमने हमेशा उनके मुद्दों को उठाया है, चाहे वो रामलीला मैदान हो, चाहे आलू के भुगतान पे हो, चाहे मैंने पहले भी कहा गन्ना के भुगतान पे हो, चाहे एमएसपी को लेकर हो, चाहे खाद को लेकर के हो, हमेशा हम उनके बीच में रहे हैं। चूंकि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं पद पे नहीं रहे इसलिए वो मीडिया को बहुत ज्यादा उसको हाइप मिला नहीं, लेकिन आज जब हम गठबंधन में हैं और हम उसको लेकर के पुनः एक बार जब रैलियां करते हैं या कुछ किसानों के हितों की बात करते हैं तो मीडिया जरूर दिखाता है उसको। नहीं तो आपने आपने देखा भी होगा और हमने इस चैनल पे भी उस सभी रैलियों के लिए डिबेट किया है, आपके साथ ही किया बैठ करके। तो आप इस चीज को मान लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते हैं तो आप सोचिए कि जिसकी मूर्ति को किस तरीके से उन्होंने अनावृत किया, उसमें कितना बड़ा किस कदर उपेक्षित किया गया और आज जाकर के मंच से उनके नाम को लेकर के सेंटीमेंट पैदा करते हैं तो किस कदर का छलावा है, ये किस कदर का छलावा है, यह बात जनता से छुपी नहीं है। और देखिए जनता से कुछ नहीं छुपा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जगदेव जी अगर मायावती की बात करें तो मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि ना बटे और ना घटे, यानी कि जो मुस्लिम जो उनका वोट बैंक है उसको लेकर के सीधे, क्यों इतना अपने बेस वोट बैंक से डरी हुई है क्या आप? तो आप लोग साथ में मिलकर के लड़ रहे हैं ना चुनाव। डरी तो गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी है, अच्छा जब से हमारा गठबंधन हुआ है सपा बसपा आरएलडी का, तो देशभर में पश्चिम बंगाल खासतौर चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं और मैं भी उन्हीं का अनुयायी हूँ। चौधरी चरण सिंह ने मुझे 85वीं टिकट दिया था, मैं उनके टिकट दिए उसमें चुनाव लड़ते हुए मिलेगा, उसमें हलजोता किसान निशान था, डरी हुई नहीं। मैं इसे भी एक बताना चाहता हूँ कि जब बीजेपी बांटो राज करो की बात कर रही, जब ये दलित अति दलित महादलित की बात करती है, पिछड़ा अति पिछड़ा महापिछड़ा की बात करती है, मुसलमानों में सिया सुन्नी की बात करती है, पथ पथनी बांटने की बात करती, तो यही लक्ष्य मायावती कहने का कि बांटो राज करने वाली पार्टी से सावधान होइए, बटने की जरूरत नहीं है और राजस्थित में इस सांप्रदायिक ताकत को नष्ट करने के लिए सबको एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी हराने का काम करेंगे। ये उनका कहने का उद्देश्य है, ये कोई जात धर्म की बात नहीं। जात धर्म की बात तो मैंने कहा नहीं, बीजेपी करती है, सामने उदाहरण है, चाहे राजभर हो, चाहे हनुमान जी हो और ये छोड़ दिए, यहाँ जो हुआ था ये यदुवंशी सभा में भी गए थे योगी जी। मतलब अमित जी अब जब उपचुनाव में आप लोगों का ध्रुवीकरण का फार्मूला चला नहीं तो राष्ट्रवाद का आप लोग मुद्दा छेड़ा आप लोगों ने, ये सीधा सीधा ठीक है, ठीक है। इस सवाल का जवाब आज जब कांग्रेस के ढकोसले पत्र में धारा 124 एक हटाने की बात हो रही है, अफसा को हटाने की बात हो रही है, तो हम बिल्कुल राष्ट्र की बात करेंगे, हम राष्ट्र की बात करेंगे। आज सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है तो आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं राष्ट्र की बात करें? राष्ट्र होगा तब पार्टियां होंगी, तब हम होंगे, तब कोई होगा। राष्ट्र की बात हम नहीं करेंगे, राष्ट्र द्रोहियों को आतंकवादियों का ये साथ देंगे उसको हम बोलने दीजिए। आपने कहा था अमित जी को अपनी बात पूरी, मैं सबके पास समय बहुत कम है, मैं सबको बराबर, अभिषेक जी आप ही के पास आऊंगा क्योंकि सवाल आप पर उठ रहे हैं। हम बांटते हैं, हम अपने घोषणा पत्र में अहिर रेजिमेंट नहीं बना रहे हैं, किसी जाति विशेष की हम रेजिमेंट नहीं बना रहे हैं। आप लोग जात की राजनीति करते हैं। बहन जी जो आपकी गठबंधन में है वो कहती है कि बस हमारा एकाधिकार है आज दलित समाज पे, लेकिन आज घबराई क्यों है? क्योंकि आज दलित समाज आशा भरी नजरों से नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है, घबराई हुई है। आप आजमगढ़ में जाके देखिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को बचाइए, दिनेश लाल यादव गरीब का बेटा आया है तो आप लोग उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये सब इसलिए अमित जी की दलितों के घर पहले जाकर के खाना खाया और दलितों को नाटक कर रहे हैं। गरीब का बेटा, अखिलेश का बेटा, बात सुन, मैं सर सर सुनेंगे, सर सुनेंगे, चलिए आपने कहा पहले मुझे बात करनी थी, बिल्कुल चलिए अमित जी आपको 30 सेकंड जल्दी से, फिर अभिषेक जी के पास आ, ठीक है। अखिलेश यादव जी के पिता का नाम हर आदमी बताएगा, अच्छा जी के पिता का नाम हर आदमी बताएगा, कोई बताओ दिनेश लाल यादव निरहुआ के पिता का क्या नाम है? एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा आज इतनी ऊंचाई पे पहुंचा है। अखिलेश क्यों नहीं आप बीच में बोलेंगे?
ये तरीका है, आप लोकतंत्र में आप अभी कह रहे हैं कि चलिए चलिए ठीक है, ठीक है अमित जी आपको मैंने पूरा मौका दिया, आप जरा अभिषेक जी के पास आ, अभिषेक जी जिस मैनिफेस्टो को लेकर के लगातार समर्पण, जगदेव जी मैं आ रहा हूँ, मैंने आपको पूरा मौका दिया जगदेव जी, सर वो हल्ला कौन बोल रहा है, अमित जी आप ही हल्ला बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, चलिए सर 1.5 मिनट निकल गया मुझे आप लोगों को शांत कराते हुए, मुझे 1.5 मिनट निकल गया, अब ये भी पॉपुलरिटी का एक बहुत अच्छा तरीका है, चलिए चलिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा ऑडियो फेडर डाउन कर दिया जाए और मैं नवल कान जी के पास आ रहा हूं, नवल जी चलिए सर यहां पे देखिए आपको बोलने का, चलिए अभिषेक जी जिस अभिषेक जी के पास आ रहा हूं, चलिए अभिषेक जी जिस घोषणा पत्र को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे आप अपनी बात रखें, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, चलिए देखिए हाँ। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राजभक्ति की बात कर रहे हैं, आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें नकारात्मक भूमिका किसकी रही थी ये बताने की हमको आवश्यकता नहीं है, ये वही भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग हैं, और उसके अलावा जहाँ तक 124A की ये लोग बात कर रहे हैं तो किस तरीके से इन्होंने उस कानून का गलत प्रकार से इस्तेमाल किया दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, आपने देखा 3 युवकों के ऊपर किस तरीके से गलत तरीके से उसको लगाया गया, लगा के जेल में डाला गया, बाद में कुछ साबित ना होने की स्थिति में आज वो तीनों युवक बाहर आजादी से घूम रहे हैं, इनको कोर्ट से फटकार भी लग गई, जहां तक अफसपा की बात कर रहे थे मैंने शुरू में ही बात क्लियर करी, इन्हीं के नेता हैं यशवंत सिन्हा, इन्हीं पार्टी में थे, उनके लड़के आज फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस देश के, और उन्होंने ही बोला इस बात को कि 32 साल से अरुणाचल प्रदेश के 4 पुलिस स्टेशन थे जहां पे एरिया थे वहां पे अफवाह लगी थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसे अभी हटाया है, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस बात पर, भारतीय जनता पार्टी इसको नेशनलिज्म पे चुनाव को लेकर जाना चाहती है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं रैली में कि मोदी से सवाल पूछते हो पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछते हो, तो ये बताएं आप हमारे नहीं, मोदी ने ये भी कहा था कि अगर अगर विपक्ष सवाल पूछता है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर तो पाकिस्तान में तालियां बजती हैं, ये भी कहा था मोदी ने, चलिए मैं हाँ ठीक है नवल जी जिस चलिए चलिए ठीक है नवल नवल जी मैं एक सवाल ठीक है नवल जी एक सवाल का जवाब कि जिस मैनिफेस्टो को लेकर के सवाल उठ रहा है और बीजेपी उठा रही कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, लेकिन एक बात है 72,000 की काट नहीं निकाल पाई है बीजेपी, नवल जी यार निश्चित रूप से मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो 2000 उनके अकाउंट पहुंच चुके हैं 6000 का वादा और सब किसानों को देने का वादा है, और जो कांग्रेस 72,000 की बात कर रही है किसान किस पे विश्वास करता है, ये आने वाला समय तय करेगा, लेकिन सच तो ये है कि मैनिफेस्टो में कुछ लिखा हो जो भाषणों में है वही असली राजनीति है, और वो असली राजनीति है मुसलमानों की, जाटों की, तमाम बिरादरियों की, सवर्णों की, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, पूरी राजनीति घूम फिर के वहीं पर पे है, और जो इसमें समीकरण साध लेगा वो चुनाव, देखिए यहाँ पे कोई मुद्दा ये विकास विकास और या विचारधारा नवल जी ने कहा कि जिसने जातीय समीकरण फिट कर लिए सेट कर लिए बस उसी की जीत, तो जगह जातीय समीकरण की बात करें तो जाट हो गए, जाटव हो गए और मुस्लिम, जिस तीनों को सेट कर लिया जीत उसी की पक्की, या यूं कहें कि बल्ले बल्ले। फिर एक बार कहूंगा हाँ। कि ये इलेक्शन जातीय समीकरण से कहीं ज्यादा स्थानीय मुद्दों का है, समस्याओं का है, और जो उसके समाधान लेकिन ये नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? सुन लीजिए मेरी हाँ। बात, मैं मेरी बात कट गई थी, आप ब्रेक पे चले गए, मैंने ये कहा था कि 2014 के इलेक्शन के पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम स्पीच सपने दिए उसमें देश के युवाओं को टारगेट किया कि भारत सबसे युवा देश है, आप देखिए इंग्लिश के दो वर्ड हैं क्लेवर एंड कनिंग, आप किस दृष्टिकोण से आप उस चीज को देखते हैं, आपने उन युवाओं के हाथ में झंडा पकड़ा दिया और उनके करियर को तबाह कर दिया। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी की बात आपने सुना कि आपने कहा कि अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि अहिर रेजिमेंट बन गया, बॉर्डर पे सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हो रहा है तो यादव बिरादरी का आदमी हो रहा है, आप तब उनकी कोई प्रशंसा नहीं करते, लेकिन अगर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है सेना में एक रेजिमेंट के लिए, वो कभी राजपूत में जाते हैं कभी किसी में जाते हैं, अगर अखिलेश यादव ने ये पहल की है तो आप कह दीजिए कि हम अहिर विरोधी हैं और ये बिल्कुल संभव नहीं है, हम नहीं होने देंगे इसको, आप कहिए लाइव टेलीकास्ट पर बैठ करके कि नहीं हम अहिर रेजिमेंट नहीं बनने देंगे, आप कहिए ना इसको, कहां गलत कह दिया, अगर उनके लिए कोई सेना में व्यवस्था नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में वो जाके शहादत देते हैं, सीमा की सुरक्षा करते हैं, हम सबकी सुरक्षा करते हैं, तो उनके लिए रेजिमेंट की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या ये भी सियासत का विषय है,
आप कह दीजिए ना लाइव टेलीकास्ट कि हम इसका विरोध करते हैं। चलिए, लेकिन ये इस सवाल का जवाब जरा मैं नवल जी के पास आ रहा हूँ। नवल जी, जिस तरीके से फिर रेजिमेंट की बात आई, सबसे ज्यादा तो गोरखा रेजिमेंट है, तो फिर अब अगर हमें, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को थोड़ा सा अलग रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी देखिए, पूरी राजनीति, मैं कह रहा हूँ, लगातार उसी पे घूम रही है। देखिए, केवल वहाँ पे अहिर रेजिमेंट की बात भी नहीं हुई है, उसमें गुजरात के लिए भी एक अलग रेजिमेंट बनाने की बात हुई है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पहले भी कह चुके हैं कि जो गुजरात के लोग हैं वो बॉर्डर पर जाके शहीद नहीं होते हैं। तो उसी समीकरण को ध्यान में रख के कि एक जो अटैचमेंट होता है यादवों के वोट हासिल करने का, वो पूरा समीकरण है। साथ ही ये एहसास कराने का कि ये जो गुजराती हैं, ये गुजराती जाके शहीद नहीं होते बॉर्डर पे हम यादव ही शहीद होते हैं। चलिए, इस सवाल का जवाब जगदेव जी देने के बाद, जगदेव जी एक फाइनल कमेंट और आपसे इस सवाल का जवाब। जी, जिस गुजराती रेजिमेंट वर्सेस जो अहिर रेजिमेंट की बात चल रही है, देखिए ये आज अखिल भारतीय यादव महासभा, जिसका मैं ऑल इंडिया अध्यक्ष नियुक्त कर चुका हूं और आज मैं उत्तर प्रदेश यादव महासभा प्रदेश अध्यक्ष हूं, ये हमारी आज की मांग नहीं, बहुत मांग है। एक कमायू रेजिमेंट को थे, आप देखिए चाइना के वार में 24 अगर शहीद हुए तो यादव लोग वहां चाइना वार हुए थे। अभी पार्लियामेंट में हमला हुआ सब, उसमें यादव शहीद हुए, कारगिल युद्ध में यादव योगदान करने, तो अगर हम शहीद होते हैं, हमारी समाज के लोग मांग करते हैं, तो उस मांग को अगर कोई उठाता है तो कोई जाति आधार पर थोड़ी, वैरियर कास्ट है, ये योद्धा है, लगातार लड़ाई में लड़ते रहे हैं। और ये तमाम नमूने ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ कि उस इशू पर अगर बात करते हैं तो फिर हमारे मोदी जी क्यों कहते हैं मैंने दलित क्या बनाया, राजपथ बना दिया। ये मोदी प्रधानमंत्री जैसे लोगों ने दलित राजपथ बना दिया, ये जाति की बात क्यों करते हैं, ये क्यों बात करते हैं, फिर बात करते हैं। अभी जब एक मैंने सुना था इनका फातेपुर में, उन्होंने कहा यादव नाराज है, मुसलमान नाराज है, देश का प्रधानमंत्री होकर के अगर जातिवाद की बात करेगा तो उससे कितने निचले स्तर की बात हो जाएगी। हमारी पुरानी मांग थी, हमने रखा, उस मांग को रखा क्या, गुजरात के जो वैरियर कौम है, जिन्होंने लड़ाई लड़ा है, जिनका इतिहास है, उस इतिहास कायम करने उनको बनाना चाहिए, ये कौन सी बात हो गई। चलिए अभिषेक जी, फाइनल कमेंट। यूपी में 13 ऐसी सीटें हैं इसमें, इस फेस में, जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, मतलब इन 13 सीटों पर मुस्लिम और जगह से कई ज्यादा तादाद में है, तो इस चीज को आप लोग किस तरीके से अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बोला है हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और जो हमने मैनिफेस्टो में घोषणाएं करी हैं उन घोषणाओं को पूरा करेंगे सरकार बनने के बाद। इस चुनाव को हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जाति धर्म पे नहीं लड़ना चाहते हैं, ना हम राष्ट्रवाद की यहाँ चिंगारी भड़काना चाहते हैं लोगों के बीच में। जब इनके पास कुछ करने को नहीं है, कुछ दिखाने को नहीं है, कुछ नहीं जनता को डिलीवर करके दे पाए, तो ऐसी बातें करेंगे। कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे और किसानों के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और उनके लिए काम करेगी। जी अभिजीत जी, क्या वाकई में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? आलोक जी, निश्चित तौर पर यह चुनाव विकास का, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, आपको अभी इस समय हिंदुस्तान में जो मीडिया का हालत है, वो जो दिखा रहे हैं, बस वही नजर आ रहा है। सवाल खड़ा करना बहुत आसान होता है। नहीं, आप आलोक जी, आप देखिए ना, आप देखिए, आप अभी सड़क पे जाइएगा, आप कोई ऐसा डिबेट ऑर्गेनाइज करिए ना जो रोड पे हो। मैंने किया है, तीन डिबेट, मैंने वही चेहरे देखे हैं जनता के रूप में। ये बिल्कुल वेल प्लान्ड होकर के चल रहा है, तो आज जो चीज वेल प्लान्ड है वही चीज दिखाई पड़ेगी। आप देखिए, वेल प्लान्ड चल रहा है, वही दिखाई पड़ेगा। हमने कहा कि मैं सड़क पीछे जो है हम देख रहे हैं, उड़दन का वही तो बुला लेते हैं हम, टीवी वाले हम जिन मुद्दों को लेकर चले जा रहे, किसी चैनल का नाम नहीं ले लीजिए, नाम मत लीजिए किसी चैनल का यहां पर। लेकिन ठीक है, मैं इसको मैंने खुद किया है, मैंने स्वयं देखा है, उन्हीं चेहरों को देखा है। जी ठीक है, तो आप बुला लेते हैं, आप वो चीज दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके पीछे जो हम कर रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी पार्टी की बात तो नहीं कर रहे, जो रैलियों में आप लोग जो बुलाते हैं कार्यकर्ताओं को, अपना अपना अनुभव बता रहे हैं चैनल के डिबेट की बात, अपना बता रहे हैं। फिर आपकी बात करते, मेरी रैली में इतनी ज्यादा लाखों करोड़ों की भीड़ उमड़ी। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल वाला माहौल बना देते हैं जगह, डिबेटों वगैरह की बात आप छोड़ दीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए आज क्या माहौल पैदा किया जा रहा है। आप ही लोग तो कहते हो प्रियंका गांधी की रैली में इतनी भीड़ उमड़ी, जबरदस्त इतनी भीड़, आप ही लोग तो कहते हैं। चलिए, सब समझ में आ गया। चलिए अब अमित जी, ठीक है अमित जी, एक फाइनल कमेंट। ठीक है अमित जी, अमित जी, पश्चिमी यूपी की दिलचस्प राजनीति में बीजेपी की अगर बात करें तो किस तरीके से अब अपनी बात रखेगी और वहां पर गठबंधन कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। आलोक जी, मेरा फाइनल कमेंट यही है कि राष्ट्र हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। राम रक्षा राष्ट्रवाद के मंत्र व 100 करोड़
लाख करोड़ के निवेश से बनाएंगे एक नया भारत, पूरा सबका साथ सबका विकास लेके पूरे देश का, पूरे देश का झूठ के धुएं में है और इसी के बल पे सब झूठ के धुएं में है, पुनः सब झूठ के धुएं में है, पुनः फसा करेंगे। आपने सम्मोहन अस्त्र मारा है देश के 75 साल हो गए, हमने 75 उठाया, 75 साल पूरे हमने फिर सम्मोहन अस्त्र मारा है आपने देश को, विश्व का नाम चीन पे उठाया, यहां पर नाम पे सेंटीमेंट आ गया, ने कोई कदम उठाया, बता चला है आपने, जो आपने भी तो कभी नहीं पूछा, समाजवादी पार्टी ने भी तो कभी नहीं पूछा काम को लेकर के, हमेशा आप एक पैरलर विधानसभा लगा ली किस तरीके से, कभी मुद्दों को लेकर के कभी आप लोगों ने भी तो एक स्वस्थ बहस नहीं करी जब जब कभी भी विधानसभा की कार्रवाई हुई। खैर चलिए वो हमारा मुद्दा नहीं, एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का मैं बात करूं नवल जी से। नवल जी, भले ही विकास की बात करें लेकिन ध्रुवीकरण ही कहीं ना कहीं नेताओं का घूम फिर के हथियार है। जी हाँ, निश्चित रूप से ये पहले फेज से ही ध्रुवीकरण दिख रहा है और ये आगे वाले फेज में और ज्यादा ध्रुवीकरण हो जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, और अगर ये ध्रुवीकरण पे पोलिंग हुई तो ये अन्य आने वाले फेज में हम लोग को और इस तरह का माहौल देखना मिलेगा जैसे पिछले चुनाव में होता है। जी बिल्कुल, लेकिन 2014 के हालात और थे और 2019 की परिस्थितियां अलग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, जगदेव जी आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, अभिजीत जी आपका भी, नवलकांत सिन्हा जी आपका भी। तो कुल मिलाकर क्या विकास पर भारी पड़ेगा ध्रुवीकरण, बड़ा सवाल। बड़ी बहस में इतना ही, नमस्कार।